अब से कुछ देर पहले हमने आपको ये खबर भी दी थी कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी है, और उसके साथ ही सुपरवाइजरी रोल में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, जो ये समय समय पर ये तय करते रहेंगे कि एसआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो एक वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ते रहे। पुलिस की तरफ से अभी तक जो पूछताछ हुई है, और अब आगे जो और इन तीनों शूटरों के जरिए निकल सकता है उन सारी चीजों को, क्योंकि अभी तक अतीक अहमद गैंग और उसकी अभी तक जो चीजें थी उस पर नजर थी, उसके गैंग के और लोगों की भी अभी धरपकड़ होनी है, लेकिन ये दूसरा पहलू जिसको अभी और गहन इन्वेस्टिगेशन के जरिए निकलना है। अतीक अशरफ हत्याकांड की तय समय में बिना हीला हवाली जांच पूरी हो, कानून व्यवस्था पर विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब दिया जा सके, अफवाहों से जनता को सजग रखा जाए, प्रदेश के किसी जिले में माहौल न बिगड़े, पुलिस की जांच में कोई लूप होल न रहे, निकाय चुनावों में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी की सुरक्षा को कोई खतरा न रहे, इन सभी चुनौतियों की चक्रव्यूह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पार करने में जुटे हैं। यही वजह है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अब भी धारा 144 लगी होने के साथ सुरक्षा बंदोबस्त में पुलिस बल लगा है, क्योंकि रविवार से ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग यानी अपने सरकारी आवास से मुख्यमंत्री एक एक हलचल पर नजर रखे हैं। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आपको मुख्यमंत्री की पूरी रणनीति पर खबरदार करती है। अतीक अशरफ गोलीकांड के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो हरकत में है, निकाय चुनाव यहां पर होने हैं और आज उसके पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन इसके बावजूद सभी जो प्रचार का काम है वो टाला गया है, किसी भी तरह की कोई सभाएं नहीं है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी अपनी अपनी सभाएं नहीं कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार जिस रात ये गोलीकांड हुआ तब से अधिकारियों से संपर्क में है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर बैठक के लिए एक एक कर पहुंचते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब यहां पर पहुंचते हैं, दो तरफ से चीजों को देखा जा रहा है, पहला ये कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में, सभी जिलों में, चूंकि निकाय चुनाव का समय है तो छोटी सी भी चिंगारी काफी मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। ये मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देशों का ही नतीजा है, कड़े सुरक्षा घेरे में पहले असद को सुपुर्दे खाक किया गया, कहीं से कोई शांति व्यवस्था भंग होने की खबर नहीं आई। रविवार रात अतीक अशरफ को दफनाते वक्त भी प्रयागराज शांत रहा, अतीक के घर के पास के इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा फोर्स मौजूद है। मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ पुलिस और सरकार के बड़े अधिकारियों का आना जाना, जिससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री एक एक प्लान तय कर चुके हैं। नतीजा है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्रियों को निकाय चुनाव के प्रचार और पहले चरण के नामांकन में व्यस्त होना था, सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करके सिर्फ कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज भी डीजीपी प्रमुख सचिव गृह समेत कई अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ली, तीन शूटर से पूछताछ करने वाली एसआईटी के बारे में जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया। ये मुख्यमंत्री के ही आदेश का नतीजा है कि डीजीपी ने एडीजी जोन प्रयागराज की अगुवाई में एसआईटी बनाई, डीजीपी की बनाई एसआईटी अब प्रयागराज में जांच करती एसआईटी को भी मॉनिटर करेगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि समय से फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो। ये जो गोलीकांड हुआ है और अभी भी जो फरार शूटर हैं, उन सब की जो कड़ियां हैं उसे भी जोड़ना है। गुड्डू मुस्लिम एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से उसे गिरफ्त में लिया जाए यूपी पुलिस द्वारा, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ दोनों के साथ साझा जो अभियान है वो जारी है। इन शूटरों की पूछताछ भी अभी गहन होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आई हैं, लेकिन अभी कुछ और गहराई से इस पूछताछ के जरिए बातें निकलनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दिन रात यहां पर जानकारियां अपने अधिकारियों से ले रहे हैं, जो कुछ हुआ प्रयागराज में उसके बाद से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसे वो मॉडल बनाना चाहते हैं बाकी के राज्यों के लिए, उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगा न पाए। एक साल पहले ये कानून व्यवस्था ही थी जिसने उत्तर प्रदेश में उपयोगी सरकार का ऐतिहासिक निर्माण दोबारा कराया। एक साल बाद लोकसभा चुनाव है,
मुख्यमंत्री जानते हैं उमेश पाल हत्याकांड के बाद उठे सवालों को एसटीएफ ने असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद शांत कर दिया, लेकिन अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद फिर से उसी कानून व्यवस्था के मॉडल पर सवाल नहीं उठने देना है जिस मॉडल की मांग दूसरे राज्यों में भी होती है। श्वेता सिंह और आशीष श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, लखनऊ आज तक।